आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों के लिए खुशखबरी है। मासिक स्टाइपेंड में इनकी वृद्धि हुई है। रेजिडेंट, इंटर्न, पीजी और पीजी डिप्लोमा कर रहे डॉक्टर्स को इसका फायदा मिलेगा। सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ, तो भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में बनी रहने वाली है? खबरें हैं जो सुर्खियों में आज रहने वाली है। और सबसे बड़ी और पहली खबर का अगर मैं जिक्र करूं तो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की तरफ से है। आज सुबह ही वो संघ कार्यालय समीधा पहुंचे हैं, वहां संघ के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। और इस मुलाकात को जो आज सुबह संघ से उनकी हुई है उसको देखा जा रहा है आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर और संघ में भी काफी कुछ पदाधिकारियों का बदलाव होगा। तो ये तमाम तरह की रणनीति, और फिर 3-4 तारीख को इंदौर में संघ की बड़ी बैठक है, उसमें तमाम बड़े संगठन के लोग और संघ के, खासतौर से संघ के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। आने वाले समय की रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से संगठन को मजबूत, तो जो सरकार बनी है और उसमें कब कैंडिडेट मिला है, तो उन तमाम राज्यों को लेकर भी एक रणनीति तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीती है लोकसभा में, लेकिन उसके बाद भी संगठन किस तरह से एक्टिव रहे, संगठन लगातार किस तरह से काम करता रहे आने वाले चुनावों को लेकर, और किस तरह की रणनीति बनाई जाए, तैयारी की जाए, तो बीजेपी संगठन से लेकर संघ के संगठन तक में तमाम बदलाव आने वाले समय में। देखने के पदाधिकारियों से मिले हैं और तमाम चर्चाएं हुई हैं। उसके अलावा अगली खबर की ओर मैं आपको ले चलूं तो जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड को बढ़ाया गया है। काफी समय से, लंबे समय से मांग चल रही थी उनकी कि उनके स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, हड़ताल भी की थी, और सरकार ने आज उनकी ये जो है मांग पूरी कर दी है और आदेश जारी कर दिए हैं। तो जूनियर डॉक्टर्स की जो स्टाइपेंड है अब बढ़ा दी गई है, और उनके से अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं तो वो है एक और मुख्यमंत्री की। आज सीतामढ़ी बिहार जाएंगे वो, जो प्रभात झा हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, कद्दावर नेता रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं। उनके निधन के बाद उनके गृह क्षेत्र में वो जाएंगे, वहां परिवार से मिलेंगे, और स्वाभाविक सी बात है कि एक जो परंपरा है किसी के यहाँ इस तरह की कोई कैजुअलिटी हो जाती है, गमी हो जाती है, तो वहां बैठने दिया जाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने नेता के यहाँ जाएंगे और स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं से शोक संवेदनाएं वहां जाकर प्रकट करेंगे। अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो मध्य प्रदेश के उन जगहों से है जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मौसम के बदलाव को लेकर बताई जा रही है। और अभी मौसम में थोड़ा सा ठहराव आया, लेकिन कहीं कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, बारिश हो रही है। भोपाल राजधानी की बात करें तो 2 दिन से बारिश रुकी हुई है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में बारिश बढ़ जाएगी और बारिश होगी, कहीं ना कहीं एक बेहतर वेदर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में इस बार जो मौसम की बात करें तो बारिश पिछले साल की अपेक्षा बराबर इस समय के हिसाब से हुई है, और निश्चित जी तौर पर किसानों के लिए भी खुशखबरी है, और मौसम को लेकर भी हम कह सकते हैं कि बेहतर चीजें जी हैं। जी जी प्रिंस जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।